हरियाणा के 1100 गांवों में 1,25,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे, जिसके लिए कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इन सभी गांवों में कोविड विजय वाटिका स्थापित की जाएगी, जिसमें मेडिसिनल वैल्यू के पौधे लगाए जाएंगे। हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह जानकारी यमुनानगर के शहजादपुर में पौधारोपण की शुरुआत के बाद मीडिया से बातचीत में दी। वहीं वन विभाग की प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर अमरिंदर कौर ने बताया कि प्रदेश के सभी 1100 गांव में पेड़ लगाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और अगले 15 दिनों में यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। जैसे मैं 1100 गांव में हमने पेड़ लगाने का योजना, उन्हीं गांव में हमने कोविड विजय वाटिका के नाम से एक योजना बनाई, जिसमें हम इस प्रकार के पेड़ लगाएंगे जिनके पेड़ों को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। जैसे अभी कोरोना है, कोरोना की कोई वैक्सीन तो आई नहीं है और वैसे भी जो इस प्रकार के रोग हैं उनकी वैक्सीन कमी है नहीं, मेरा पहले भी जो भी हैं तो उनमें भी वैक्सीन आई नहीं है। तो ऐसे पौधे जो आयुर्वेद में जो जिक्र है, जो ऐसे पौधे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, किसी की वजह से रोग लगता ही नहीं, उसको बचाने में काम आते हैं। उस प्रकार का हमारी PCF मैडम ने इस प्रकार की तैयार करी है योजना, तो हम जिस गांव में पेड़ लगा रहे हैं उस गांव में कोविड वाटिका भी लगाने की हमारी योजना है। तो किस तरह का प्रारूप रहेगा उस वाटिका का, क्या क्या होगा? नहीं, वो गांव के सहयोग से ही लगाएंगे। छोटी सी एक वाटिका है, उसमें जितने भी हमारे पेड़ हैं 15-20 पेड़ हैं, तो 15-20 पेड़ लगाएंगे। शहजादवाला जिला यमुनानगर में इस समय खड़े हैं। इस गाँव में पंचायत लैंड पर ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स का पौधारोपण किया जा रहा है और हम इसमें एक प्रयास कर रहे हैं कि गाँव का हर समुदाय, वो चाहे हमारी पंचायत के सदस्य हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं और विशेषकर इसमें हमारे स्कूल के बच्चे और हमारी बहनें शामिल हो रही हैं। ये हमारी बहनें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सदस्य हैं और ये बखूबी इस चीज़ को अब समझती हैं कि पर्यावरण सुरक्षा हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इन्होंने खुद आज अपने आप को वॉलंटियर किया है और ये भी इस पौधारोपण में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। सिर्फ पौधा लगाने तक नहीं, इन पौधों की देखरेख में, संभाल में और जब तक इनको फल लगेंगे ये अपना निरंतर सहयोग रखेंगे। मैम, अब तक अभियान आपका कहाँ तक पहुँचा, कितने गांव थे? हमारे टोटल इसमें 1100 गांव हैं और सभी में काम शुरू हो चुका है। अर्थवर्क से हम शुरू करते हैं, पौधे हमारे पास सभी जगह सफिशेंट है। आगे आने वाले दिनों में जैसे अब मानसून का भी आगमन हो रहा है, 15 दिनों के अंदर अंदर हम अपना लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लेंगे। मैम, कोविड वाटिका का भी प्लान है फॉरेस्ट विभाग की? हाँ, हर गांव में कोविड विजय वाटिका का हमारा एक प्लान है, जिसके तहत हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स, विशेषकर जिस तरह से तुलसी है, गिलोय है, छोटी इलायची, लेमन ग्रास, काल मेघ या बड़ी पौधों में बेल पत्थर, संजना, ये जो प्रजातियाँ हैं, नीम है जो सबके लिए ऑल टाइम हकीम है, इस तरह के पौधे हर गांव में एक स्पेशल एरिया में जो वेल बाउंडेड है वो लगाने का प्रयास है, ताकि सब लोगों को हर समय में ऐसी प्रजाति उपलब्ध हो जिनको हम बहुत सदियों से यूज़ करते आए हैं और अब किसी कारण से वो लुप्त होती जा रही हैं। सो उनको दोबारा अपने गांव में, घरों के पास, लोगों के पास पहुंचाने का ये प्रयास है।